ओम त्र्यंबकं यजामहे। हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज है हमारे नए घर की गृह प्रवेश पूजा और आज दिवाली भी है। तो सुबह है हवन और उसके बाद फिर रात को दिवाली है। तो नया किचन है तो मैंने सोचा सबसे पहले हलवा कुछ मीठा बनाने से पहले चूल्हे की पूजा कर लेते हैं। तो बस मैंने फिर पहले गैस की पूजा करी और फिर उसके बाद जो है गैस में कुछ मीठा मैंने मतलब हलवा सबसे पहले मैंने बनाया। पूजा की देखिए पूरी तैयारी हो चुकी है। तो पुजारी जी भी अभी आने वाले हैं और वो है हवन कुंड। और किचन में भी आज मैंने 5 बजे उठ गई थी, 5 बजे उठ के फिर जो वाइट फूड भी बनाया क्योंकि इसमें बन गया है हलवा, इसमें पूरी है और ये बन गई आलू गोभी की सब्जी और इसमें मैंने राजमा रखे हैं। पूरी की पूरी तैयारी जो है ना वो हो चुकी है और सिर्फ अभी पंडित जी का इंतजार है, पतिदेव नहा रहे हैं। और ये दिवाली का नाम है कल लेके आई थी तो इसको मैंने यहाँ पे रख लिया। तो देखते हैं पुजारी जी कब आते हैं। तो जी हम दोनों तो हो गए हैं अभी रेडी और पंडित जी का कर रहे हैं वेट। पंडित जी अभी आई नहीं है और आज है दिवाली। तो आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली सबको। और अष्टाम प्रथम चरणे माशाणामे मासे महामांगल्य मासे शुभ संवत 2080 सूर्य नारायण से भरतखंडे आर्यावर्ते के देशे अंतर्गते जमुना तीरे दिल्ली महानगरे पटेल नगर। ओम विष्णु देवता भ्याम नमः स्वाहा। पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। महावीर वज्रंगवली की जय। ओम हर 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 महादेव। लोग केवल गले में और माथे का भी लगेगा, बाएं हाथ में ले लो, बाकी सब लोग लगाएंगे ठीक है। तो जी पूजा तो अब खत्म हो चुकी है, सारे मेहमान अब चले गए हैं, खाना पीना हो चुका है और देखिए वो जो ठेरा लगा है खाना बचा हुआ है। और अब जो है मैं बना रही हूँ रंगोली। ये देखिए ये ऑलरेडी हमारा मंदिर जो सेट ही है, बस यहाँ पे थोड़ी सी मुझे रंगोली बनानी है और बाकी सब कुछ तो रेडी है। तो चलो अब रंगोली बनाते हैं। देखिए पंडित जी ने यहाँ पर भी लिखा है शुभ, ये मालाएं नीचे गिर रही है ना, ये मैं फिर से लगाऊंगी, टेप नहीं थी तो अभी टेप लेके आई हूँ। और खाना पीना तो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है आज,
तो जी चंडीगढ़ वाले घर को भी ना बेटे ने बहुत अच्छे से सजाया था और दिवाली बहुत अच्छे से मनाई, क्योंकि वो नहीं आया था। अगर इधर वो भी आ जाता तो फिर चंडीगढ़ वाले घर में इतने अच्छे से पूजा नहीं होती ना, तो इसलिए हमने उसको वहीं छोड़ा था। पर उसने बहुत अच्छे से किया, तो वो होते ही ना बच्चों को जैसे बचपन से सिखाते रहते हैं ना, तो वो वैसे ही करते हैं, सेम उसने भी वैसे ही किया। बहुत ही अच्छे से उसने पूजा करके फिर मुझे कुछ वीडियो क्लिप जो है वो भेजे, तो मैं इसी में ऐड करूँगी। कोई भी पूजा और त्यौहार होए तो उसको मैं ना ज़रूर शामिल करती हूँ और उसको बताती रहती हूँ कि इस तरह से होता है, कैसे पूजा करते हैं और कैसे ड्रेसेस वगैरह पहनते हैं। तो बहुत अच्छे से उसने तैयार व्यार होके घर को सजाया, उसके बाद फिर उसने पूजा करी, तो बहुत ही खुशी हुई हमें ये सब उसका देख के। इस तरह से रही हमारी हैप्पी दिवाली, और उधर पटाखे फूट रहे हैं बहुत ज़्यादा, आवाज आ रही है बाहर। तो आज की वीडियो का कर देते हैं हम यहीं पे एंडिंग, फिर से आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली।